तिरल उड़ने की आशा में फाइनली मिलेगा साली को बहुत बड़ा मौका कुकिंग कंपटीशन जीतने का। जी हाँ दोस्तों, साली बहुत ही प्यारा खाना, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है और अपने भाई, अपने यानी देवर का साथ भी देती है। उसके खाने का कोई जवाब नहीं है और देखने को मिलेगा कि साली अब अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए और अमीर बनने के लिए यानी पैसे कमाने के लिए जो कि उसने ठान लिया है, उसके हाथ लगता है एक पंपलेट जो कि कुकिंग कंपटीशन का होने वाला है। यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन होगा जिसमें अब साली को मिल जाता है बड़ा मौका और ये कोई और नहीं सचिन ही उसे कहते नजर आता है कि सचिन कहता है कि तुझसे टेस्टी खाना तो कोई यहाँ पर पूरे शहर में नहीं बना सकता है और तू इस कॉम्पिटिशन को जीत कर देखना, ये प्राइज 10 लाख रुपये तू जीत सकती है। देखने को मिलता है कि सचिन साली को मोटिवेट करते नजर आता है लेकिन साली कहती है कि पता नहीं मैं इतना अच्छा खाना भी क्या बना पाऊंगी कि कंपटीशन में तो बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाने वाले आएंगे। लेकिन सचिन कहता है कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है और सचिन की बातों पर विश्वास करते हुए यहाँ पर साली इस कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाएगी और अब साली करेगी कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी। वहीं पर देखने को मिलेगा कि रेणुका और रोशनी दोनों ही उससे बुरी तरह से चलते नजर आने वाले हैं और इसके कुकिंग कंपटीशन को ख़राब करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन सचिन यहां पर ऐसा नहीं होने देगा और साहली को जिताने के लिए वो पूरी मेहनत पूरा जोर लगा देगा।